नमस्कार, स्वागत आप सभी का धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। चोरी का जो सिलसिला है वो चोपटा क्षेत्र के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको गांव जमाल की एक वीडियो दिखाई जिसमें शिव मंदिर से हज़ारों रुपए की जो नकदी उस पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मौजूद है हम गांव ब्रासरी के कृष्ण कुमार रोज की ढाणी के अंदर। यहां पर आपको बता दें कि चोरों ने बड़े ही सातिर तरीके से काफ़ी जो नुकसान किया है, हज़ारों रुपए की नकदी, जैसा कि अनुमान के हिसाब से यहाँ जो ढाणी के निवासी वो बता रहे हैं, सोना है, उसके साथ साथ चांदी के कुछ जेवरात भी चोरों ने यहाँ से चोरी कर ली है। चोरी को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया वो तस्वीरें भी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। चोरों ने किस प्रकार से मुख्य गेट के ऊपर ताला लगा हुआ था, लेकिन पीछे का जो गेट है उस दीवार को फांद करके ढाणी के अंदर प्रवेश किया और दो कमरे और एक जो छत के ऊपर चुबारा बना हुआ है वहाँ पर भी उसका जो खिड़की उसको तोड़ करके हज़ारों रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे दिन प्रतिदिन ये जो चोरियों का सिलसिला है आखिर वो कब बंद होने वाला है। चलिए जो यहाँ के ढाणी निवासी उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस चोरी को लेकर के, कितने रुपए की चोरी हुई है और किस प्रकार से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताऊँ मैं गई चार दिन चोरिया कने सब्जी घर ला गेट देखो जो ताला तुला सगड़ा तो डेढ़ा पड़िया सगड़ा कमरा गा है, किसी की कुंटा भी नहीं आ है, ऊपर चौबारे ताई पुग गया है यार, चौखो समान सगड़ो बिखार गिर भी वहाँ 10-12 तलो सोनो 7-6 हज़ार रुपया है, 5-6 तलो चांदी जी। मैं आने के बाद में कि नहीं पूछो पड़ोसियों ना, पड़ोसियों में गई तो मैं पूछो जी, बोला भाई मैं तो कि नहीं कौन देखो ने, मैं सगड़े पूछो सगड़ा पूछ के पड़ोसियों ने, फिर मैं गई मैं बोली मगो भाई कड़ी देखो के कहना मैं जमीन दे रखी भी नहीं पूछो, कहना मैं कौन गया, उन्हें सुहासरा ने कहो ना भी मैं कौन निगाह करी नहीं है, कहा मैं सरपंच ने फोन करो, सरपंच बोलियो कोई नहीं तालो टूट रहा है तो भी थे जागे चौकी में परसों दियाओ, मैं कौन ही, मैं बोल तू कौन ही जो मैं जाऊँ को करे अकली है, भाई मेरा लड़को ही कौन ही रहा, आप ही कौन रहा है, मेरे छोरी तीन यार मैं छोरियाँ कन गई, ये सरपंच यहाँ बोलियो कि मैं आप ही कोई छोरन गाल दूँ है यार, मैं सागे जागीर बाबा तैक मैं तो काम गेड़ हूँ बट मैं छोरा निकाल दूँ, भाई या तो आते मैं जाके परसो दिया है बेचारा बागे माँ रात ही करियो ये भी देखने लग रहा है, पुलिस आई है। हाँ पुलिस आई। अच्छा अब जान चलने लग रही है। हाँ चलने लग रही है, रात पुलिस आई। थान कोई शक वगैरह है कि ना भाई, मारत शक वगैरह बेटा कहीं पर ही कौन मारत है, कौन कहीं पर ही कौन शक वगैरह ना बेरो कोनी भी रात नो एक दिन में ये आई डी कोनी में चार दिन ही गई डी है, तो चार दिन बेरो कोनी भी दिन की हुई है, रात न हुई है कभी, आज ही मैं आज भी दिन ही हुई हूँ काली। ऐसा है कि मेरे को रात को 10 बजे घंटे चौकी इंचार्ज जमाली की आई थी, बोले अभी गांव मतलब ब्रासरी के अंदर चोरी हो गई, तो मैं रात को तो पहुँच नहीं सका क्योंकि समय गैर होने की वजह से नहीं, साधन नहीं होने की वजह से, और सुबह मैं जल्दी ही यहाँ पर आकर देखा तो मतलब ये मेरे को जाहिर है कि यहाँ चोरी पक्की हुई है, लेकिन ये मान ले कि किसी नशेड़ी का काम है जो मतलब काफ़ी टाइम लगा कर और इनके बक्से संदूक वगैरह अलमारी वगैरह मतलब सामान निकाल के ले गए चोरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैं ये फिंगरप्रिंट लेकर और FSL माध्यम भेजूँगा जो मिलान के लिए, अगर मिलान हो जाते हैं तो चोर पक्का पकड़े जाएंगे और ये कोशिश है। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ।